डैंड्रफ या कॉमन जो भाषा में हम जो रूसी बोलते हैं उसके होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मुख्य रूप से रूसी एक खास तरह के फंगस के बढ़ने से हमारे सिर में होती है, जिसको हम मेलेसेजिया बोलते हैं। तो मेलेसेजिया बढ़ने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपका ऑयल ग्लैंड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है सिर पे, आपके स्कैल्प में और भी कोई सिचुएशन है, कोई और बीमारियां हैं जो डैंड्रफ को बढ़ा सकती हैं, तो इन सारे चीज़ों की वजह से हो सकता है। कई लोगों में हार्मोनल चेंज के साथ डैंड्रव बढ़ते हुए देखा गया है। कई बार जिनको PCOS है या कोई एक्ने वाली प्रॉब्लम है उसमें साइड बाय साइड उनके सिर में डैंड्रव भी देखा गया है। तो हार्मोनल चेंजेस एक मेन कारण हो सकते हैं आपके डैंड्रव के। इसको ठीक करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पहले हमें ये देखना है कि क्या बहुत ही हल्का फुल्का सा इशू है, कभी कभार आपको थोड़े बहुत डैंड्रव दिखाई देते हैं, या डैंड्रफ बहुत ज़्यादा सीवियर है, आप बाल झाड़ते हैं तो आपको प्रॉपर रूसी गिरते हुए दिखती है, या मोटी मोटी परतें बन रही हैं, थिक फ्लेक जो हम बोलते हैं उस तरह का डेवलप हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशंस में जहाँ पे बहुत माइल्ड प्रॉब्लम है, उतना सीवियरिटी नहीं है, उसमें हम खुद से उसको मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आप कोई भी अच्छा एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। हम रेगुलरली शैम्पू पेशेंट को करने को बोलते हैं, स्पेशली जिनको प्रॉब्लम है उन्हें ऑल्टरनेट डे शैम्पू ज़रूर करना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स को जब वो शैम्पू कर रहे हैं, बहुत कॉमनली हम शैम्पू लगाते हैं और इमीडिएटली उसको वॉश कर देते हैं, वो हमें नहीं करना है। आपको शैम्पू लगा के मसाज करना है, 5 मिनट से 10 मिनट उसको सिर पे लगे रहने देना है, फिर वॉश करना है। अगर इसके बाद भी आपका डैंड्रफ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, या आपको थिक फ्लेक्स बनते हैं, या इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या लालिमा आ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। ऐसे कंडीशंस में सबसे बड़ा जो चीज़ होती है वो ये देखना होता है कि क्या सिर्फ नॉर्मल डैंड्रव है या और कोई स्किन डिजीज़ साथ में पेशेंट को डेवलप कर रही है। उस हिसाब से डॉक्टर उसको पहचान के उसका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हम खाने की दवाइयाँ भी देते हैं, स्पेसिफिक शैम्पूज़ भी देते हैं। जिनको डैंड्रव की प्रॉब्लम है उनके में बाल वीक हो जाते हैं और बालों का गिरना बढ़ सकता है, तो ऐसे लोगों को अपने खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में हों उसको हमें लेने का प्रयास करना चाहिए। तो डैंड्रव को कम करने का या कंट्रोल में रखने के लिए कॉमनली हमें जो करना चाहिए उसमें नंबर वन है कि अपने बालों को जितना हो सके प्रॉपरली क्लीन करिए। तो हमेशा बाल क्लीन रहने चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा बालों में पसीना आता है तो आपको रेगुलरली या ऑल्टरनेट डे शैम्पू ज़रूर करना चाहिए, जिसमें शैम्पू के झाग को आपको सिर में कम से कम 5 से 8 मिनट छोड़ना चाहिए। आपको तेल का उपयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि तेल लगाने से रूसी कम हो जाएगा, जो कि एक भ्रांति है, तेल से रूसी और बढ़ सकती है, तो आपको तेल नहीं लगाना चाहिए। तीसरी चीज़ है, जितना हो सके अपने सिर में पसीना का होने से या तेज़ धूप से आप खुद को प्रोटेक्ट करिए। अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो उसको ज़्यादा टच नहीं करिए। स्कैल्प में खुजली हो रही है तो उसको बार बार खुजली नहीं करिए। उसके लिए आप प्रॉपर जो है डॉक्टर को मिलके प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।